हेलो फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर टुडे इज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशन इन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। देर आर थ्री मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सो आज हम फोकस करेंगे सिर्फ कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। सो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, कंटिग्यूस मीन्स टुगेदर। जितने भी हम मेमोरी एलोकेट करेंगे किसी प्रोसेस को, वो एक साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस डायग्राम द प्रोसेस आर गिवन द एंटायर मेमोरी एलोकेशन टुगेदर। जो प्रोसेस P1 है उसको जितनी भी मेमोरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी एक साथ है। सो फ्रॉम 5499 5500 इज विथ P2। ओके, सो आप P2 को भी देखो, फ्रॉम 5500 टिल 7999। सो ऑल दोज एड्रेसेस दैट आर अ पार्ट ऑफ द एड्रेस स्पेस फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस आर टुगेदर। सो हेंस द नेम कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। इसको आप ऐसे समझो कि इफ यू आर अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, आप एक फ्रेंड्स का ग्रुप हो, जब आप क्लास में एंटर करते हो तो आप क्या देखते हो? यू लुक फॉर द वेकेंट नंबर ऑफ बेंचेस विच कैन अकोमोडेट द एंटायर ग्रुप। तो अगर आप 5 जाने हो तो आप क्या देखते हो क्लास में कि मुझे मैं 5 चेयर्स इकट्ठी एक साथ मिल जाएँ या 5 बेंच एक साथ मिल जाए, इतनी लोकेशन हमें एक साथ मिल जाए कि हम 5ों बैठ सकें। सो दैट इज़ कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। आप चाहते हो जो एंटायर ग्रुप है वो एक साथ बैठे। सो सेम इज़ द केस इन केस ऑफ प्रोसेस इज ऑल्सो, द प्रोसेस विल गेट द एंटायर स्पेस टुगेदर। नाउ हाउ मेमोरी मैपिंग एंड प्रोटेक्शन इज इंश्योर्ड, द डायग्राम शोज यू दिस, दैट वेन एवर द CPU जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस, द एड्रेस शुड बी मैप्ड टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द प्रोसेस ओनली। सो वॉट आई मीन इज, लेट अस सपोज P1 प्रोसेस है, उसकी जो मेमोरी है वो 2000 से लेके 5499 तक है। ओके, सो नाउ दिस वैल्यू 2000 इज सेव्ड इन द रीलोकेशन रजिस्टर। रीलोकेशन रजिस्टर क्या करेगा? इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस, राइट, एंड लिमिट रजिस्टर कंटेन्स द रेंज ऑफ द लॉजिकल एड्रेसेस। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट P1 प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ रीलोकेशन रजिस्टर इज 2000 एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट रजिस्टर इज कंटेन्स द रेंज, कितने लॉजिकल एड्रेसेस हैं P1 के। तो 2000 से स्टार्ट होके 5499 तो कितने हो गए 3500। ओके, सो रिलोकेशन इज 2000 एंड लिमिट इज 3500। ओके, नाउ अब मैंने ये देखना है कि प्रोटेक्शन भी इंश्योर्ड हो और मेमोरी मैपिंग भी हो जाए। तो कैसे हम मैपिंग करेंगे? द CPU विल जनरेट एड्रेस, लेट अस सपोज CPU ने कहा आई नीड द डेटा एट एड्रेस 500, जो 500 लोकेशन पे डेटा है वो चाहिए। तो लॉजिकल एड्रेस क्या हो गया 500। नाउ फर्स्ट चेक इज दिस 500 लेस देन द लिमिट, क्योंकि टोटल जो एड्रेसेस हैं वो 3500 हैं। 3500 आर द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, दिस मीन्स यू कैन नॉट जनरेट एन एड्रेस मोर देन 3500। तो पहले ये चेक करने की 35 के अंडर हो। सो इज 500 लेस देन द लिमिट? यस। तो एक्चुअल एड्रेस कौन सा होगा? यू एड द वैल्यू ऑफ री लोकेशन रजिस्टर टू 500। तो हमें क्या करना है, 2000 प्लस 500, तो जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है दैट इज वॉट 2500। सो वट एवर डेटा इज रिक्वायर्ड, जो लॉजिकल एड्रेस 500 पे है एक्चुअली वो मेमोरी में कहाँ है, एट मेमोरी एड्रेस 25। ओके, इफ दिस लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड इज नॉट लेस देन द लिमिट, दिस मीन्स कि वो अपनी एड्रेस स्पेस से बाहर किसी का एड्रेस पे रेफर करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज 4500 अगर आप ऐड कर दो रीलोकेशन में तो कितना एड्रेस जनरेट हो जाएगा? 2000 इज द रीलोकेशन स्टार्टिंग एड्रेस, 4500 करना 6500, बट 6500 कहाँ पे आ रहा है? इस रेंज में, और वो रेंज किसकी है? P2 प्रोसेस की, P1 की नहीं है, राइट।
So the logical address has to be less than the limit, and then you add it to the relocation register, and then you will get the actual physical address. Okay. So based on this, it's a practice problem. Just pause the video and do both these parts, and then you can check your answers. So I hope that your answers match with the solutions given. Any doubt, you can just go back to the previous slide and then go to the example that I have given, and you will be able to do the problem. Now, contiguous memory allocation jo hai, it can be of two types: fixed size partition and variable partition. Fixed size means jitne bhi jo entire memory hai, maine usko fixed size slots mein break kiya hua. For example, this. So this is one of the example. Here all the slots are of 10 MB, let us suppose. Okay, but जरूरी नहीं है कि आपने उसको सेम साइज का ही रखना है. इट कैन बी दैट फ्यू स्लॉट्स आर ऑफ 10 MB एंड फ्यू स्लॉट्स आर ऑफ 20 MB, बट वो जो स्लॉट्स होंगे वो फिक्स होंगे. सो इन दिस केस देयर आर 7 स्लॉट्स एंड ईच स्लॉट साइज इज 10 MB. सो दिस मीन्स कि आई कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 7 प्रोसेस ओनली इन दिस सिस्टम. और हर एक प्रोसेस का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 10 MB, क्योंकि मेरे स्लॉट का साइज कितना है? 10 MB. ओके, दिस इज फिक्स पार्टीशन. सो ऐसे आप पार्टीशंस को वेरी भी कर सकते हो. कुछ पार्टीशंस 10 MB के हो सकते हैं, कुछ 20 की, 30, 40, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द नीड और कितना आपके पास मेमोरी में स्पेस है. सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इन दिस केस? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कितने प्रोसेस रैम में एक साथ आ सकते हैं. सो ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशंस इन द सिस्टम. ओके, वन ऑफ द एग्जांपल्स विच the OS which uses fixed size partition was IBM OS 360, but this is no more used nowadays in the current systems. What is the alternate? Alternate is variable partition scheme. Variable means that you do not divide the memory into sizes. The entire memory is considered as one block. जैसे जैसे process आएगा उस block में से कुछ स्पेस हम प्रोसेस को एलोकेट करेंगे. ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रोसेस, सम स्पेस फ्रॉम द मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, सो आई विल शो यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. जैसे ये देखो, P1 हैज गॉट 20 MB ऑफ स्पेस, P2 हैज गॉट 10 MB स्पेस, एंड P3 हैज गॉट 30 MB स्पेस, एंड 10 MB फ्रॉम 20 टू 30 इज लेफ्ट. सो ये सिनेरियो इज वन ऑफ द स्नैपशॉट्स. ये फिक्स नहीं है कि वो 20, 10, 10 और 30 का स्लॉट्स कट ब्रेक किए हुए हैं. ओके, आई विल जस्ट शो यू दिस हाउ दिस सिनेरियो इज डेवलप्ड. सो इन द वेरी बिगनिंग, लेट अस सपोज दैट जो हमारे पास टोटल मेमोरी है दैट इज 100 MB अवेलेबल विद अस. सो माय रैम इज ऑफ 100 MB. ओके, एंड ऑल दी स्पेस इज फ्री. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज वन बिग होल. ये एक पूरा ब्लॉक हो गया, इट इज एंटायरली फ्री. सो हेयर इज द मेमरी टेबल दैट वी विल मेंटेन. सो फ्रॉम 0 to 99 द एंटायर स्पेस इज फ्री. नाउ अ प्रोसेस P1 अराइव्स एंड इट रिक्वायर्स 10 MB ऑफ स्पेस. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कट 10 MB और द सिस्टम विल कट 10 MB फ्रॉम दिस 100 MB एंड एलोकेट टू P1. कट मीन्स इट विल जस्ट allocate the 10 MB of space to P1. Okay, and we'll update the table. So from 0 to 9, the first 10 addresses or first 10 MB is with P1 process and the rest is free. P2 process arrives, it requires 30 MB space. So next 30 MB will be allocated to P2 and the memory table is updated. So 10 to 39 now are with process P2. Next, a process P3 arrives which requires 20 MB of space. So next 20 MB हमने P3 को allocate कर दिया and updated the table. Now process P1 finishes its execution. So if P1 finishes, this means what? जो उसको space allocate करी हुई थी that will be freed. So first 10 MB is now free. तो ये एक slot मेरे पास create हो गया.
ओके एंड वील अपडेट दी मेमोरी टेबल, नाउ 0 to 9 इज फ्री। अब मेरे पास एंटायर मेमोरी में दो स्लॉट्स फ्री हैं, टू स्लॉट्स आर फ्री, वन 10 MB हेयर एंड अनदर 40 MB हेयर। इफ अ न्यू प्रोसेसर आइज, नाउ आई हैव टू ब्लॉक्स टू एलोकेट, इन दोनों में से मैं किसी भी में से उसको एलोकेट कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द साइज ऑफ द प्रोसेस। सो नाउ P4 प्रोसेसर आइज एंड इट रिक्वायर्स 25 MB ऑफ स्पेस। तो 25 यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास अवेलेबल 0 to 10 में, सो वी कैन एलोकेट फ्रॉम 60 to 99, 25 वी हैव एलोकेटेड। ओके सो इन दिस वे वी कीप ऑन बिल्डिंग, प्रोसेस ऐड होते रहेंगे, प्रोसेस डिलीट होते रहेंगे, तो कुछ ब्लॉक्स आपके पास वेकेंट सिस्टम में क्रिएट होते रहते हैं। नाउ P3 प्रोसेस फिनिशेस, सो दिस मीन्स द स्पेस विल बी फ्रीड एंड विल अपडेट द टेबल। सो नाउ वी हैव थ्री स्लॉट्स, 10 MB हेयर, 20 हेयर एंड 15 हेयर। नाउ प्रोसेस P5 अराइव्स, इट रिक्वायर्स 25 MB ऑफ स्पेस। द क्वेश्चन इज कैन बी ग्रांट दिस स्पेस, कैन बी ग्रांट दिस स्पेस टू दिस प्रोसेस, प्रोसेस रिक्वायर्स 25 MB, हमारे पास फ्री स्पेस कितनी है 10 MB, 20 MB एंड 15 MB हेयर। सो कैन बी एलोकेट स्पेस टू P5, द आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज द एंटायर स्पेस That is to be allocated should be contiguous. तो क्या मेरे पास 25 MB space इकट्ठी है, contiguous है? The answer is no. बस 10 है, 20 है, 15 है. Total I have 45, but 25 MB space all together एक साथ नहीं है. Hence we cannot allocate space to process number P5. Okay. So now this is the drawback of contiguous memory allocation. Although we had space 45 MB left, but still will not be able to allocate 25 MB space to P5 because the 25 MB space is not contiguous. So this problem is referred to as external fragmentation. External fragmentation means that even though there is space available in the system, you will not be able to allocate space because the entire space is not contiguous. Problem with contiguous memory allocation is external fragmentation. So now what is the solution? हम क्या कर सकते हैं? Solution is compaction or defragmentation. तो आपने system में कभी ना कभी defragmentation किया होगा. तो if you defragment a disk, C drive or your D drive, you will see that your space increases. Now what happens in defragmentation or compaction is that the entire memory contents are shuffled and they are brought together to one side. हम क्या करते हैं इस scenario में, हम क्या करेंगे P2 और P4 को together कर देंगे। This means we shift P2 towards one end, उसको जो 30 MB space है वो शायद हम 0 से 30 allocate कर देंगे। P4 again will push up 25 MB space जो है P4 को, वो 30 से 55 दे देंगे। So then from 55 to 99 all the space will be free. And then from there we can allocate 25 MB to 5. Okay, so compaction is that you shuffle the memory content so as to place all free memory together in one large block. Okay, so this is all about contiguous memory allocations variable partition scheme. Now if you have analyzed the example carefully, you can see that there were three free blocks at one stage. Now if a new process arrives, and let us suppose that the process requirement is such that we can allocate any of the three blocks. So हमारे पास तीन blocks empty थे, 10 MB, 20 MB and 15 MB. Let us suppose जो process P5 था उसको 25 नहीं चाहिए, सिर्फ 5 MB चाहिए। तो मैं 5 MB तीनों blocks में से allocate कर सकता हूँ, तो मुझे कौन सा block choose करना चाहिए? Okay, so there are three strategies for that: first fit, best fit and worst fit. First fit means allocate the first free block that you encounter. Best fit is you search all the blocks
एंड लुक फॉर द एग्जैक्ट मैच और नियर एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल जो साइज मैच करता है या फिर जो कम से कम एक सबसे स्मॉलेस्ट नया ब्लॉक क्रिएट करेगा. एंड वर्स्ट फिट इज ऑपोजिट ऑफ बेस्ट फिट दैट यू एलोकेट द लार्जेस्ट ब्लॉक. सो आई होप दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन इज क्लियर टू यू. द पीपीटी इज अवेलेबल ऑन दिस लिंक. द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लॉक एलोकेशन स्कीम्स.